हेलो दोस्तों, गेट स्मैशर्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा। बिग डेटा जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में से एक है और एज ए कंप्यूटर साइंस पीपल डेफिनेटली आपने सुना होगा बिग डेटा के बारे में। लेकिन बिग डेटा को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये टर्म आई कहां से है और इससे पहले क्या था। तो बिग डेटा की अगर हम बात करें, बिग डेटा से पहले क्या था, नॉर्मल डेटा टर्म थी जिसको अब हम बोलने लग गए स्मॉल डेटा। लेकिन जनरली स्मॉल डेटा कोई टर्म नहीं थी, टर्म है एक्चुअल में बिग डेटा। और बिग डेटा से पहले हम जनरली बात करते थे ट्रेडिशनल डेटा की या ट्रेडिशनल डेटाबेस की। तो एक्चुअल में कहानी स्टार्ट कहां से हुई, 1970 से। 1970 में द साइंटिस्ट ईएफ कोड, जिन्होंने पूरा डेटाबेस का पूरा बेस जो है उन्होंने डिजाइन करके दिया, और रिलेशनल डेटाबेस अगर हम बात करें आरडीबीएमएस की, तो उन्होंने बहुत ज्यादा पॉइंट जो बहुत ज्यादा इसके अंदर इवोल्यूशन किया। तो आरडीबीएमएस के अंदर अगर हम बात करें, वहां पे हम डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, स्ट्रक्चर डेटा की फॉर्म में। मतलब कहने का क्या है कि जो पहला डिफरेंस है मोस्टली स्ट्रक्चर्ड का, मतलब क्या है कि डेटा को स्टोर करने से पहले मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता था। तो आरडीबीएमएस में हम क्या यूज करते थे, टेबल्स। अगर हम बात करें इन टेबल्स को, तो इन टेबल्स में पहले हमने एक स्ट्रक्चर बनाया और फिर डेटा को उसमें स्टोर किया। मतलब स्ट्रक्चर डेटा का क्या मतलब होता है कि जिस डेटा के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट अवेलेबल हो, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अवेलेबल हो, उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर डेटा। तो जो भी पुराना डेटा था, ऐसी अगर हम बात करें एक्सेल फाइल्स की, तो एक्सेल फाइल्स का भी एक फिक्स फॉर्मेट होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मोस्टली स्ट्रक्चर डेटा है, ये आज के टाइम पे यूज ज्यादा नहीं होता। मतलब पूरी दुनिया में अगर हम बात करें, जितना भी डेटा एग्जिस्ट करता है, अगर हम बात करें पूरी दुनिया में एक्स अमाउंट ऑफ डेटा एग्जिस्ट करता है, तो उस आउट ऑफ एक्स में सिर्फ 10% डेटा आज के टाइम पे क्या रह गया, स्ट्रक्चर्ड। मतलब 90% ऑफ द डेटा क्या है अब, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। अनस्ट्रक्चर्ड में आपके पास क्या आता है, अनस्ट्रक्चर्ड में आता है लाइक फोटोज है, वीडियोज है, टेक्स्ट है। जैसे कि आप वेबसाइट को देखो, वेबसाइट में क्या होता है, एक वेबसाइट होगी जिसमें सिर्फ वीडियोस होंगी, एक वेबसाइट होगी जिसमें सिर्फ फोटोज होंगी, एक वेबसाइट होगी जिसमें दोनों का मिक्सचर होगा, एक में बीच में टेक्स्ट होगा। मतलब क्या है कि ये अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में हमारे पास डेटा है। तो इस अनस्ट्रक्चर डेटा का मतलब क्या है कि कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, आपके पास डेटा है, आप उसको डायरेक्टली स्टोर करना चाहते हो, आप उसके लिए कोई भी स्ट्रक्चर पहले नहीं बनाना चाहते। तो ओनली जो अनस्ट्रक्चर डेटा के लिए हमारे पास टर्म यूज होती है बिग डेटा, और जो स्ट्रक्चर डेटा के लिए हम यूज करते थे नॉर्मल डेटा, जिसको अब बोलने लगे स्मॉल डेटा, क्योंकि अब बिग डेटा आ गया, तो यानी ऑब्वियसली इसका कंपैरेटिव में क्या होगा, स्मॉल डेटा ही होगा। लेकिन बिग डेटा अगर आपसे कोई भी पूछता है बिग डेटा है क्या, तो यहां पे बिग का मतलब क्या है, जनरली साइज। मतलब जो साइज ऑफ द डेटा जो है वो बहुत ज्यादा है, इसी वजह से हमने नाम दे दिया उसको क्या, बिग डेटा। तो पहला डिफरेंस जो है वो यही है कि स्ट्रक्चर और ये अनस्ट्रक्चर डेटा के साथ डील करता है। दूसरा पॉइंट है यहां पे स्टोर इन एमबीज, जीबीज और टेराबाइट। मतलब कहने का कि जितना भी डेटा हमारे पास स्ट्रक्चर है, वो जनरली स्टार्ट हुआ था केबीज में, केबीज के बाद हमारे पास एमबीज में, ज्यादा से ज्यादा वो गीगाबाइट्स में, और हार्डली पॉसिबल है कि वो टेराबाइट्स में डेटा हो। लेकिन यहां तक हमारे जितने भी यूनिट थे वो यूज होते थे स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करने के लिए। अब हमारे पास जो डेटा है वो डेटा टेराबाइट्स में नहीं है, वो थाउजेंड्स ऑफ द टेराबाइट है। तो थाउजेंड ऑफ द टेराबाइट क्या बन गया, पेटाबाइट। थाउजेंड ऑफ द पेटाबाइट क्या बन गया, एक्साबाइट। थाउजेंड ऑफ द एक्साबाइट क्या बन गया, आगे जेटाबाइट, योटाबाइट। तो ये जो यूनिट्स अब हम यूज करते हैं वो इसीलिए यूज करते हैं कि जो वॉल्यूम है, जो डेटा का इतना बड़ा साइज है, वो यहां पे हमारे पास बहुत कम रह गया, और मेनली डेटा हमारे पास क्या है, बिग डेटा की फॉर्म में है। और अगर सिंपल से एग्जांपल्स में आपको बताऊं, तो फेसबुक, गूगल, आप इनके डेटाबेस की अगर आप बात करो, तो फेसबुक के पास रोज 4 petabytes ऑफ द डेटा जनरेट होता है। मतलब डेली बेसिस पे वो 4 petabytes ऑफ द डेटा जो है वो जनरेट करते हैं। बिलियन ऑफ द फोटोग्राफ्स, बिलियंस ऑफ द लाइक्स, मोर देन 2 billion यूजर्स है उनके पास। तो ये जो इतना बड़ा डेटा क्रिएट हो रहा है, ये डेटा किसके बेसिस पे क्रिएट हो रहा है कि इतना स्टोरेज जो है आपके पास अवेलेबल है, उस जगह पे आप इस पूरे डेटा को क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। तो यहां पे हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ द डेटा इज वेरी लार्ज कंपेरेटिव टू द प्रीवियस वन। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द वेलोसिटी, मतलब स्पीड, कि किस स्पीड से डेटा जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर हम बात करें यहां पे स्मॉल डेटा की या स्ट्रक्चर डेटा की, तो स्ट्रक्चर डेटा जो इंक्रीज हो रहा है वो ग्रेजुअली, मतलब मॉडरेटली, स्लो स्पीड में जो है वो
इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे बिग डेटा की, तो बिग डेटा जो इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली का मतलब है कि डेली बेसिस पे आपका जो डेटा जनरेशन है वो बहुत ही फास्ट जनरेशन है। और इसका सिंपल सा एग्जांपल, जैसा कि हमने फेसबुक का एग्जांपल देखा, तो फेसबुक की अगर हम बात करें तो डेली बेसिस पे मोर देन 350 मिलियन फोटोज जो है वो अपलोड हो रही है, जो टोटल मिलके 250 बिलियन फोटोज जो है वो अभी तक हो चुकी हैं। अगर हम बात करें लाइक्स की, तो मोर देन 4 मिलियन लाइक्स जो है वो डेली बेसिस पे फेसबुक पे हो रहे हैं। तो यार इतना डेटा जो है, इतनी वेलोसिटी से जो क्रिएट हो रहा है, ऑब्वियसली ये भी अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और इसको सिंपल से एग्जांपल से अगर हम समझें, तो अगर इस दुनिया में एक्स अमाउंट ऑफ डेटा जो है आज के टाइम पे अवेलेबल है पूरी दुनिया में, क्योंकि इसको इसको मेजर करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर हम बात करें एक्स अमाउंट ऑफ डेटा जो है इस दुनिया में अभी अवेलेबल है, तो इस एक्स अमाउंट ऑफ डेटा का जो 90% क्रिएशन है, मतलब इस पूरे एक्स का जो 90% बना है वो लास्ट के 4-5 ईयर्स में ही बना है। मतलब पिछले 5-6 सालों में ही आपका 90% डेटा जो है वो जनरेट हुआ है, यानी सिर्फ 10% डेटा जो है वो था पुराने टाइम से लेके 2010-11 तक, उसके बाद जो है सारा का सारा डेटा जो है अब जनरेट हुआ है। तो ऑब्वियसली आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी स्पीड से डेटा जो है वो जनरेट हो रहा है। आप खुद ही देख लो, जो अगर हम बात करें जो भी गैजेट्स आज के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं लाइक मोबाइल फोन्स, आप कहीं भी घूमने जाते हो तो कितनी आज के टाइम पे हम सेल्फीज जो है वो लेते हैं, कितना डेटा जो है वो हम खुद जनरेट कर रहे हैं, मतलब एक एक दिन में कितनी फोटोज जो है हम खींच रहे हैं, यानी कितना डेटा जनरेट हो रहा है। उसमें से कुछ सिलेक्टेड को हम फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे डालते हैं, यानी उनके डेली बेसिस पे कितना डेटा जो है वो जनरेट हो रहा है। और अगर हम बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक में मोर देन 300-400 पेटाबाइट्स डेटा जो है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, और डेली बेसिस पे 4 पेटाबाइट्स जो है वो क्रिएट हो रहा है, और इतने अमाउंट ऑफ डेटा को वो हैंडल कर रहे हैं। सेम फॉर द गूगल, सेम फॉर द यूट्यूब, क्योंकि उनका तो वैसे भी कोलैबोरेशन है, तो इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को वो लोग डील कर रहे हैं। देन हाउ वी स्टोर द डेटा, अगर हम बात करें सेंट्रलाइज मतलब स्मॉल डेटा की, तो स्मॉल डेटा जो है जनरली हम स्टोर करते हैं सेंट्रलाइज फॉर्मेट में, जैसे कि यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस का जो डेटा होता है वो मोस्टली क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। तो वहां पे जैसे अटेंडेंस का डेटा है, लाइब्रेरी का सिस्टम है, तो ये डेटा को आपको सेव करने के लिए आप सिंपल सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट को यूज कर सकते हो, मतलब आपका डेटा लोकली ही आपके पास पड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे बिग डेटा की, तो फेसबुक सारा का सारा डेटा एक जगह पे नहीं रख सकते, उनके पास बहुत अलग अलग पूरी दुनिया में उनके डेटा सेंटर्स हैं, और वो पूरे के पूरे डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, मतलब अलग अलग एरियाज में वो डेटा को जो है, गूगल भी अलग अलग एरियाज में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है, ग्लोबली डेटा जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि एक जगह पे रखेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर अकर हो सकता है, आपके पास पूरा का पूरा नेटवर्क जो है, पूरे के पूरा ट्रैफिक एक जगह पे आएगा, लेकिन उस चीज से बचने के लिए वो ग्लोबली अपना डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं। देन यहां पे अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर्स की, हम जनरली जो स्ट्रक्चर डेटा था, स्ट्रक्चर डेटा में हम यूज करते थे SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर है, और एकल का 10G है, 11 है, 12C, ये जो बेसिकली डिजाइन किए थे, ये किए थे स्ट्रक्चर डेटा को डील करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए, क्वेरी करने के लिए। लेकिन जैसे डेटा जो है हमारा बन गया बिग डेटा, तो यहाँ पे ये वाले सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि ये सारी चीज बढ़ गई, आपका जो डेटा की कैपेसिटी बढ़ गई, और उसी के साथ साथ आपकी प्रोसेसिंग पावर, जितना डेटा आपके पास पड़ा होगा उस इतने अमाउंट ऑफ डेटा में आपको कैसे प्रोसेस करने। अब गूगल का जो डेटा है इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, बिलियंस ऑफ द वहां पे ट्रिलियंस ऑफ द वेब पेजेस है, इतने वेब पेजेस में आपका डेटा कितने विद इन द सेकंड भी बहुत ज्यादा कह दिए, सेकंड से भी कम में आपका जो डेटा है वो फटाफट सर्च करके लाता है। तो गूगल क्रॉलर्स जो है कितनी जल्दी डेटा को सर्च करते हैं, तो यहां पे मेरे पास जो प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए, तो यहां पे हम यूज करते हैं जनरली कॉन्सेप्ट ऑफ हडूप, मैप रिड्यूस, स्पार्क को यूज करते हैं, बिग क्वेरी को यूज कर रहे हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना, हडूप, स्पार्क, बिग क्वेरी, ये इन्हीं के ही है, फेसबुक है, गूगल है, इन्होंने ही बनाए हैं, ट्विटर ने बनाया है, और इन्होंने अब इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, और ओपन करके अब ये सारे अपाचे के अंडर आ गए हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हो। और स्पेशली अगर मैं बात करूं, अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से बिलोंग करते हो, और आज के टाइम पे प्लेसमेंट्स अगर हम बात करें, तो प्लेसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारी टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर जॉब्स जो है वो क्रिएट कर रही है।
तो आप इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर अगर काम करते हैं, हडूप जैसे जावा के ऊपर बेस्ड है, स्पार्क, स्काला लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, अगर आप इनको सीखते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो बिग डेटा में यूज करते हैं। यहाँ पे सिंगल नोड का मतलब है एक सर्वर काफी है, स्मॉल डेटा है, कम ट्रैफिक है, तो हम सिंगल नोड से भी काम चला सकते हैं। लेकिन फेसबुक के पास मोर देन 80,000 सर्वर्स हैं। इतने सर्वर्स को मैनेज करने के लिए, इतने सारे ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए डेली बेसिस पे बिलियंस ऑफ द क्वेरीज जा रही है। मतलब अगर ऑब्वियसली 2.3 बिलियन जो लोग हैं फेसबुक को यूज करते हैं, तो उनमें से मिलियंस तो डेफिनेटली रोज की रोज एक्सेस करते हैं और इतना टाइम अपना वहां पे स्पेंड करते हैं। तो इतने ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए सिंगल नोड नहीं, क्लस्टर कंप्यूटिंग की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। मतलब मल्टी नोड क्लस्टर जो है वो काम करते हैं। तो ये बिग डेटा की जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जिससे आपको एक ओवरव्यू बनेगा कि बिग डेटा होता क्या है। और अगर हम बात करें कि सारी की सारी टेक्नोलॉजीज लाइक डेटा साइंस, डेटा को माइन करना, डेटा माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो सारी की सारी टेक्नोलॉजीज के लिए हमें सबसे पहले चीज क्या चाहिए, डेटा चाहिए। मतलब आपके पास इतना ज्यादा डेटा होना चाहिए जिसके ऊपर आप माइन करके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाल सको, उसको विजुलाइज कर सको, उसको ट्रेन कर सको, एक्सपर्ट बना सको। तो इसके लिए सबसे पहले डेटा को जनरेट करना जरूरी है। और आपने बहुत सारे एग्जाम्पल जो है आपके पास अवेलेबल है। सिंपल से एग्जाम्पल अगर हम बात करें अमेजोन की भी, तो अमेजोन आज के टाइम क्योंकि जो जेफ बेजोस है वो आपने सुना होगा कि दुनिया का नंबर वन जो अमीर आदमी है, तो ऑब्वियसली वो किसके बेसिस पे बना है, इतने सारे डेटा जो है उन्होंने जनरेट किया बैकएंड पे, ना कोई प्रोडक्शन, ना उन्होंने कोई कारखाने लगाए, ना कोई उन्होंने कोई फैक्ट्री लगाई, वो सिर्फ वो क्या कर रहे हैं कि इंटरमीडिएटर हैं, इधर सामान है, इधर यूजर्स हैं, यूजर सामान को ऑर्डर करते हैं और उसी के बेसिस पे, लेकिन इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को वो जनरेट कर रहे हैं, हजारों करोड़ों अरबों ट्रांजैक्शंस जो है वो डेली बेसिस पे हो रही है, तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को वो जनरेट करके उसको माइन करके इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाल रहे हैं, कैसे कस्टमर्स को रिटेन रखना है, कैसे हमें एक रनिंग डेटा के ऊपर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकालने हैं, स्ट्रीमलाइन डेटा, ये सारे पॉइंट जो है वो बिग डेटा के अंदर आते हैं और इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है आज के टाइम पे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है बिग डेटा की और इसके कंपैरेटिव जो हम पहले यूज करते थे ट्रेडिशनल डेटा या नॉर्मल डेटा। थैंक यू।